श्रीमती जो कोई दिव्यांगों प्रवेश कौन स्वतंत्र व्यवस्था करा न द्वितीय थर पर हाइकोर्ट अदालत अवमानना मामला रुजू हो शुक्रवार विचारपति जस्टिस विश्वनाथ रथ मामलार शुणाणी कर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास पुरी जिलापाल और श्रीजगन्नाथ मंदिर परिचालना कमिटी अध्यक्ष भाव गजपति महाराज को नोटिस कर नोटिस पाइबार सात दिन मध्य प्रतिपक्ष मैंने जवाब रखे जितेन्द्र कुमार विश्वाल नामक जड़े दिव्यांगों पक्षर मामलार शुणाणी परिप्रेक्षी में हाइकोर्ट आज यह निर्देश देते बर्षमान भुवनेश्वर से होता श्री विश्वाल अदालत को अवगत करते से जड़े शत प्रतिशत दिव्यांग से अनेक थर महाप्रभु दर्शन पर श्रीमंदिर को जाती किंतु दिव्यांगों प्रवेश श्रीमंदिर में कौन स्वतंत्र व्यवस्था नाकू दर्शन करेक समस्या होता है देशर अनेक मंदिर दिव्यांगों प्रवेश लगे स्वतंत्र व्यवस्था रही किंतु एजापत श्रीमंदिर से भाई कौन व्यवस्था करदालत शुणाणी कर श्रीमंदिर प्रशासन को पदक्षेप ने निर्देश देते कि कौन पदक्षेप निवेदन कर प्रथम एक अदालत अवमानना मामला रुजू करते अदालतों आदेश में मसक मठ पदक्षेप ने हाइकोर्ट प्रतिपक्ष को पुणे निर्देश देते कि अदालतों निर्देश सत्वे कौन पदक्षेप नेबारु आवेदन करी द्वितीय थर पर ही अदालत अवमानना मामला रुजू करवेदनकारी पक्षर वरिष्ठ आईनजीवी गौतम कुमार आचार्य एवं आईनजीवी अरुण कुमार बुठिया मामला परिचालना कर मेरा नाम शोभा गुप्ता है मैं कलकत्ते से आई हूँ मेरी उम्र 75 आप पूरी क्यों आए हैं पूरी मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ मेरा 4 साल पहले आने का बंद था लेकिन कोरोना होने के चक्कर में मैं निकल नहीं पाई उसके बाद मैं गिर गई थी कि मेरा पाँव ब्लॉक हो गया है इसलिए मैं बोकर लेके चलती हूँ लेकिन यहाँ आके मैंने देखा बहुत सारी सुविधाएँ मिली है मंदिर चेयर मिला है और गाड़ी जो हमारी गाड़ी जो आई थी उसको छोड़ कर दूसरी गाड़ी जो भेजिए क्या ये मंदिर तक तो आप जहाँ आपको एक बात बता दूँ मंदिर ये जो व्हील चेयर मंदिर तक है पर मंदिर भी मंदिर के अंदर जाने तक जो सुविधा चाहिए वॉकर है मैं उसके सहारे जाऊँगी और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वहाँ पे तक भी भगवान ले जाने की चेष्टा करें जो एकदम नहीं चल पाते आप चाहेंगे कि मंदिर की दूसरे लोग जो आते हैं उनको मंदिर तक जाने के लिए अंदर तक जाने के लिए जो तकलीफ होता है उनका लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए आप क्या प्रार्थना करेंगे कि उनको भी व्हील चेयर इस तरह से वहाँ तक पहुँचाने की चेष्टा करें मंदिर के अंदर अंदर तक कितना बढ़िया होगा इसमें बहुत बढ़िया होगा वो लोग दर्शन भी कर सकेंगे जो बुजुर्ग बहुत सारे लोग आते हैं ना आप जो लाइन से जाना पड़ेगा लेकिन ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते थे हम बैठे थे हमारी रिपोर्ट में हम अपने बच्चों को बैठा है या किसी को करें जो बुजुर्ग है वही बैठ सकते जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए जिनका पावर ठीक ठाक है उनको नहीं जाना चाहिए बहुत सारे लोग लौट के भी जा रहे हैं क्योंकि अंदर तक सुविधा नहीं है ना हाँ तो अब आप अच्छा मैं तो वॉकर लेके आई तो मैं तो थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाती मैं 5 मिनट खड़ी नहीं हो पाती सुविधा होना चाहिए कहाँ तक मंदिर तक ही होनी चाहिए अगर जो एकदम नहीं चल सकते हम जो सीढ़ी है सीढ़ी से मंदिर तक जाने के लिए जो भी है मंदिर तक सुविधा मिले तो बहुत अच्छे जी जी धन्यवाद दिव्यांग मैंने निश्चित भाव में मंदिर भितर जबार आवश्यकता रही तेणुक सी जो दर्शन होहर काट पाखे जो भितर काट पाखे दर्शन होते दिव्यांग को लेकर व्हील चेयर दर्शन करवाटा भितर असंभव कार्य तेनाली तार गोटे विकल्प कार्य किसी लोकर निजुक्ति मंदिर करीठिया बेले नहीं जातु जो मानकर कई नहाँ से लेकिन जातु से महाप्रभु को पीठिया पाखे नहीं दर्शन करके आणतुप किसी समय आप जो निर्दिष्ट समय तार रही यही समय भितर समस्त आसिक रे से समय से लोक जी जो समय महाप्रभुर सकाल दीप मध्यान दीप हो सन्द्या दीप हो समय जयदेव विजय द्वारा खाली रोचे से ही समय से दर्शन करके छाड़े से उत्तम जिनस रैंप आम जो है घंटी द्वार पटे जा उत्तर द्वार पटे जा घंटी द्वार पटे जा समय टी रही से समय जय विजय द्वार किए जा पिठिया पिठिया नहीं दर्शन कर छाड़े ये मोर व्यक्तिगत मत कितने ये भावी समस्त में ग्रहण है मो नाम हूँ पूजा रॉय गुप्ता मुझे कोलकाता आसी दिव्यांग व्यवस्था तो मुझा गवर्नमेंट को बहुत थैंकफुल जे बहुत भल व्यवस्था
ଆମେ ତ ଚାଲିକିନା ପଳଉଛୁ, ସେମାନେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଏତେ ଦୂର ଆସିକିନା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବାଟା ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ ଏଇଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏଇଠି ହେଇଛି, ଅନୁଗୁଳରେ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ମଚ୍ ହାପି କି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବସ୍ ଏତିକି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହଁ ସେ ପାଖରେ ନେଇକିନା କାନ୍ଥରେ ନେଇକିନା ଯେମିତି ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହଉ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ ଏତିକି ସେଟା କରିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଏନଫ୍। ମନ୍ଦିର ନିଜ ରୁଲ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଏଇ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବସ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସେଇ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।